क्रिप्टो पीपल, क्रिप्टो समाचार के नए वीडियो में आपका स्वागत है। वैसे ऊपर वाले थोड़ा सा सामान शिफ्ट कर रहे हैं तो थोड़ा आवाज़ आएगा वीडियो में, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। वैसे आज तो मार्केट एकदम ग्रीन हो रखी है, उसका फ़ायदा सभी उठा रहे हैं। मैं नहीं उठा रहा बट सभी उठा रहे हैं। ये देखो कॉइनफॉक्स वालों ने क्या डाला है, बोलते हैं कि उनके 25,000 यूजर्स हो गए ना, इसकी खुशी बिटकॉइन भी मना रहा है, इसलिए बिटकॉइन बढ़ रहा है। मतलब अंकित गौर साहब, आपकी ना क्रिएटिव टीम को यहाँ क्रिप्टो समाचार में भेजो, हमें कुछ कंटेंट बनाने के लिए उनकी हेल्प चाहिए, कुछ फनी क्रिएटिव कंटेंट। बट दैट्स फैंटास्टिक राइट, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके 25,000 यूजर्स हो गए। क्या चलो क्रिप्टो न्यूज़ की बात करते हैं, शुरू करते हैं बिट बी एन एस एक्सचेंज से। ये बिट बी एन एस एक्सचेंज जो है वो इनोवेशन के साथ साथ ना हमें लीगालिटी को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। मतलब कुछ भी नया लाएंगे ना, मैं अपना सर खुजाते रह जाता हूँ कि क्या ये लोग लीगली कहीं फंस ना जाए। मतलब मेरे को यही डर लगा रहता है कि बिटबीएनएस वाले कहीं लीगली फंस ना जाए। दे आर ऑलवेज वेरी क्लोज टू द रेगुलेटरी यू नो रेड लाइन दैट इज देयर। खैर अब ऐसा कुछ इन्होंने अनाउंस कर दिया है फिर से, हार्डवेयर वॉलेट कम डेबिट कार्ड। कल बताया था, येस्टरडे आई थॉट दैट वो हमें अप्रैल फुल बना रहे, तो मैंने वो इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। पर आज भी वो उनके वेबसाइट पे है और लोग उस पर बात कर रहे, तो काफ़ी सीरियस होगा। बिटकॉइन एक्सपर्ट इंडिया की यूट्यूब चैनल पे पता चला कि बिटकॉइन बिटबीएनएस जो है उन्होंने एक कंपनी एस्टोनिया में रजिस्टर करी है, जिसके थ्रू ये हार्डवेयर वॉलेट कम डेबिट कार्ड वाली सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन जब मैंने सीईओ गौरव दा के उनको मैसेज किया तो उन्होंने मुझे तो बोल दिया कि बेटा तुम ना जब वेबसाइट पर डिटेल्स आएगी ना तब देख लेना, मैं कुछ नहीं बता रहा। वैसे बात नहीं करते यार लोग। यार देखो हर बार कॉइन क्रंच उठ के ना बिटबीएनएस के हर सोल्यूशन को स्क्रूटिनाइज करता है, करने पहुंच जाता है। और मतलब मेरा काम ही है यार, मैं सवाल उठाता हूँ, ठीक है? तो आज भी मैं वही करूँगा थोड़ा बहुत। क्या बिटबीएनएस, कुछ सवाल ऐसे, क्या बिटबीएनएस ने एस्टोनिया में कंपनी रजिस्टर करी है? और हमने कोशिश करी ढूंढने की पर हमें नहीं मिली। मतलब वो दो डायरेक्टर के नाम से ढूंढने की कोशिश करी, हमें नहीं मिली, करी हो सकती है, मुझे नहीं पता। क्या बिटबीएनएस का हार्डवेयर वॉलेट कम डेबिट कार्ड इंडिया में लीगल है? यार अब उसको डेबिट कार्ड बोलोगे तो शायद लीगल नहीं है, बिकॉज उसके लिए तो आरबीआई की परमिशन लगती है। आई मीन ओनली ऑथोराइज एजेंसीज लाइक आरबीआई रेगुलेटेड एंटिटीज कैन ऑफर अ डेबिट कार्ड सर्विस। तो उसको डेबिट कार्ड बोलना ना मुझे लगता है कि पंगा हो सकता है। बट अगर ये हार्डवेयर वॉलेट है तो फिर मामला एकदम डिफरेंट है। खैर अभी के लिए मेरे पास सिर्फ इतनी जानकारी है, ये डेवलपिंग स्टोरी है। गौरव से भी बात करूंगा, उनकी वेबसाइट पे भी कुछ अपडेट्स आएंगे, कुछ और एक्सपर्ट से बात करेंगे, उसके बाद इस पर डिटेल में बात करते हैं। अभी के लिए इसको ख़त्म करते हैं यहाँ पर। दूसरी खबर आ रही है पाकिस्तान से। पाकिस्तान इज़ गोइंग टू रेगुलेट क्रिप्टो करेंसीज। पाकिस्तान की सरकार ने ना इलेक्ट्रॉनिक मनी इंस्टीट्यूशंस ईएमआईज की रेगुलेशन सबमिट की है, जो एफएटीएफ की गाइडलाइंस के आधार पर बनाई गई है। आपको पता होगा एफएटीएफ ने कुछ गाइडलाइंस दी थी क्रिप्टो करेंसीज को लेके, क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशंस को लेके। उनको उनके सोर्सेज ने बोला है कि ये डिजिटल करेंसीज को मॉनिटर करने के लिए बनाए जा रहे रेगुलेशंस, ताकि उनका यूज़ गलत कामों में जैसे कि टेररिज्म फंडिंग के लिए ना हो। पाकिस्तान ने क्रिप्टो को रेगुलेट किया ताकि उसका काम टेररिज्म के लिए ना यूज़ हो सके, और इंडिया पता नहीं कब करेगा। तीसरी खबर यह है कि यूट्यूब पे एक नई एनिमेटेड सीरीज शुरू हुई है, जिसका नाम है बिटकॉइन एंड फ्रेंड्स। बिटकॉइन एंड फ्रेंड्स का अभी तक सिर्फ एक ही एपिसोड रिलीज हुआ है, कुछ 4 दिन पहले हुआ था, मैंने कल देखा, तो मैंने सोचा मैं आपको भी बता दूँ। उसमें दिखाया है कि कैसे एक अनजान इंसान ने बिटकॉइन में जान फूकी, और कैसे ये बिटकॉइन अपने पापा को ढूंढने निकलता है। मतलब उसके जो पापा है जिसने उसमें जान फूकी है, उसको ढूंढने निकलता है। वो बिटकॉइन के हाथ में दिखाते हैं दो नोड्स कनेक्ट हो चुके हैं, लाइक ऑन वन हैंड इट शोज कि अनदर नोड टू इज़ कनेक्टेड, ऑन दी अदर हैंड जब पता चलता है कि जब कोई ब्लॉक माइन होता है तो बिटकॉइन उल्टी करता है, जिस उल्टी में से 50 छोटे छोटे बिटकॉइंस बाहर निकलते हैं। फिर ये एपिसोड में शुरू होता है एक एडवेंचर, जिसमें बिटकॉइन जो है वो एक आइसक्रीम वाले के साथ मिलके वितालिक और हैरोल्ड नाम के लोगों के पास जाता है। वितालिक फिर उसमें बाद में हेल्प करता है उनको सतोशी नाकामोटो को ढूंढने के लिए, और फिर वो मतलब आगे जब चलते हैं तो वो नहीं, मैं एक्चुअली आगे नहीं बताना चाहता, आप लोग खुद देख लो, बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड है, 22 मिनट्स का। आई लीव द
आई लीव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। खैर छोड़ो, ये सब तो हो गया। आज की मार्केट तो एकदम हरी भरी है। ये स्क्रीनशॉट 5:30 बजे लिया गया है इंडिया टाइम पे, 12 o'clock नून GMT टाइम पे। सो मार्केट इज एकदम एकदम फर्स्ट क्लास मार्केट है। पीपल हैव लॉस्ट मनी हु ट्राइड टू शॉर्ट द मार्केट, पीपल हु ट्राइड टू लॉन्ग द मार्केट हैव मेड अ लॉट ऑफ मनी टुडे। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू दोज हु मेड मनी, बेस्ट ऑफ लक फॉर द वंस हु लॉस्ट मनी। खैर आज के वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले एपिसोड में। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वो बेल वाला आइकन दबा दो, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में बता दो। ये सब कर देना, ठीक है? डोंट फॉरगेट इट, बिकॉज यार ये मेहनत का काम है, यू नो, लाइक्स, आई लाइक लाइक्स। तो लाइक कर दो वीडियो को। चलो मिलते हैं अगले एपिसोड में। आई विल बी ट्रैवलिंग फ्रॉम टुमारो, सो मे बी वीडियो के पीछे का बैकग्राउंड चेंज होता रहेगा और शेड्यूल थोड़ा हैफजार्ड हो जाएगा, लेकिन वीडियो बनाने की मैं ज़रूर कोशिश करूंगा एवरी डे। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट एपिसोड। तब तक के लिए जय हिंद और जय ब्लॉकचेन।